राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी वाला दंगा हो या पूरे देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम के दंगे या फिर एनआरसी और सीए का शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट हो, सभी जगह उपद्रवियों के हाथ में अंबेडकर साहब की फोटो देखें तो समझ जाइए कि 72 साल पहले की बंटवारे की जो स्क्रिप्ट थी वो दोहराई जा रही है। बस बदले हैं तो चेहरे, साल और दिन, लेकिन धोखा वही होने वाला है जो आज से करीब 72 साल पहले हो चुका है। आखिर जोगिंदरनाथ मंडेला की कहानी आपको जाननी और समझनी क्यों जरूरी है? यह दौर था 1947 का, जब कश्मीर से कांधार तक के भारत का वैचारिक और भौगोलिक विभाजन हो रहा था। अंग्रेजों के हाथों मिली आजादी के बाद भारत के सिर्फ टुकड़े ही नहीं हो रहे थे बल्कि विखंडन हो रहा था उन संवेदनाओं का, जिसमें जातीय और सांप्रदायिक व्यवस्थाएं भी शामिल थी। हिंदुस्तान उस वक्त सिर्फ सरहदों में ही नहीं बट रहा था बल्कि हिंदू मुस्लिम दो संप्रदायों के बीच एक मोटी रेखा खींची जा रही थी, जिसके एक सिरे पर जिन्ना खड़े थे तो दूसरे सिरे पर नेहरू। इसी बीच एक ऐसा चेहरा जिसकी चर्चा तो बेहद कम होती है, लेकिन पाकिस्तान के उदयकाल में तो ये शख्स पाकिस्तान के साथ रहा, पर जीवन के अंत में ये हिंदुस्तान में शरणार्थी बनकर रहा। ये कहानी है पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री की। पहले इसे समझ लेते हैं कि जो आजकल का जो दौर है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे मुस्लिम समुदाय की अगर बात किया जाए, देश के कुछ वामपंथियों की बात किया जाए, वो मुस्लिम जो विरोधी सरकार की जो बात करते हैं और बातें करते हैं कि भाई मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, और जब अन्याय की बात आती है तो वो एक चेहरा जो है वो सबके सामने लाते हैं, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चेहरा। चाहे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट आप देख लें उठा करके, बुरके पर बवाल देख लें, जितना भी बवाल मच रहा है उन सब में एक चेहरा जो है वो सबके सामने आता है और वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चेहरा। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो कहानी एक ऐसे नेता का है जो इनसे भी बड़े उस अपने ज़माने में दलितों का जो चेहरा है, दलितों के जो नेता के रूप में जाने जाते थे, जिनका नाम था जोगिंदरनाथ मंडल। और ये सब इतिहास के कालखंड में कितना बड़ा धोखा किया गया दलितों के साथ में, वो भी इसी इन्हीं की कहानी अगर आप देखेंगे तो उसके ज़रिए आपको पता चलेगा। ये कहानी दलित मुस्लिम एकता की ढोंग पर लात मार कर बताती है कि एक कितना बड़ा धोखा जो है वो पहले हो चुका है। फिर चाहे अगर इस समय की बात किया जाए तो नया चेहरा जो निकल कर सामने आया है दलितों का, चाहे चंद्रशेखर रावड़ की बात कर लिया जाए, पुरानी नेता में अगर बात किया जाए तो मायावती की बात कर लिया जाए, अगर पत्रकारों में बात कर लिया जाए कुछ वामपंथी विचारधारा के हैं, चाहे रवीश कुमार की बात कर लें, कन्हैया कुमार की बात कर लें, कहानी उन सब के लिए जो धर्मनिरपेक्षता की जो चादर है वो ओढ़कर जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये उन सब के लिए आंखें खोलने वाली कहानी है। अब मैं इतिहास के कालखंड में चलता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी बड़े दलित नेता थे जोगिंदरनाथ मंडल। वो दिन रात दलित मुस्लिम एकता का सपना देखा करते थे। बंगाली हिंदू होने के बावजूद मंडल ने 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान को चुना, लेकिन पाकिस्तान बनने के महज 3 साल बाद वो शरणार्थी बनकर भारत वापस लौट आए। जोगिंदरनाथ मंडल एक पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने अपनी राजनीति जो है वो पिछड़ी जाति के इर्द गिर्द ही रखा था। पिछड़ी जातियों में खास कर अगर बात करें तो बंगाल में उनका बेहतर रसूख था, जो कि हिंदुओं को छोड़कर मुस्लिमों की वर्चस्व वाली पार्टी मुस्लिम लीग में जुड़ गए। उनके मुस्लिम लीग से जुड़ते ही जिन्ना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जिन्ना को मालूम था कि मंडल पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं। इसी वजह से मंडल जिन्ना के जिगरी हो गए और पार्टी में उनका कद शीर्ष नेताओं में शुमार हो गया। नतीजा ये हुआ कि मंडल और उनके अनुयायियों में कांग्रेस और जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी में मुस्लिम जो लोग हैं उनको लेकर के वो अधिक जो धर्मनिरपेक्षता की अगर बात किया जाए, अधिक धर्मनिरपेक्ष वो मुस्लिम लीग पार्टी को समझने लगे थे। मंडल को भ्रम हो गया था कि गांधी के भारत में जिन्ना की अगर बात कर रहे हैं, जो जिन्ना जो पाकिस्तान में दलितों को लेकर के बात कर रहे हैं कि भाई अलग कर दिया जाएगा, तो उन्हें लग रहा था कि दलितों को उसमें बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा। अब वे खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गए
और बाकी के दलितों को भी पाकिस्तान से जोड़ने में लग गए। हिंदुओं में से उन्होंने जो दलित था दलितों को अलग किया और दलितों को लग गए कि भाई चलो पाकिस्तान चलो क्योंकि वहाँ तुम्हें न्याय मिलेगा। बंटवारे के वक्त जोगिंदर नाथ मंडल जो अगर बात किया जाए तो उनकी बहुत अहम भूमिका थी। उन्होंने भारत के बंगाल से जुड़े एक बहुत बड़े हिस्से को दलितों के वोट से पाकिस्तान में मिला दिया था, जिन्ना ने पाकिस्तान के नक्शे को बड़ा करने के लिए दलितों के साथ धोखा किया और मंडल को लॉलीपॉप देकर मुस्लिम लीग एकता की अगर बात किया जाए, मुस्लिम दलित एकता की बात किया जाए तो उसका वो राग जो है वो अलापने लगे। बंटवारे के बाद मंडल एक बड़े दलित आबादी को लेकर पाकिस्तान चले गए। जिन्ना ने भी उनके कर्ज उतारते हुए, जिन्ना ने क्या किया भाई उनका जो कर्ज है भाई इतने बड़े दलित नेता थे और लेकर के आ गए थे सभी लोगों को, तो जिन्ना ने क्या किया उनका जो कर्ज था उतारते हुए मंडल को पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री बना दिया। उनके अगर जो मंत्री बने, उनके मंत्री बनने के बाद उन्हें लगा कि भाई दलितों के अच्छे दिन आ जाएंगे, मगर इसका टोटली जो अगर देखा जाए तो टोटली इसका उल्टा होने लगा। मंडल के कहने पर भले ही दलित एक बड़े तबके के रूप में हिंदुओं से अलग हो गए और पाकिस्तान उन्होंने सही समझा कि भाई पाकिस्तान जाएंगे तो उन्हें न्याय मिलेगा और पाकिस्तान जाना ही उन्होंने सही समझा, लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए खुराक बनना अब वो शुरू हो गए थे। धीरे धीरे दलितों पर अत्याचार होने शुरू हो गए। मंडल की अहमियत अब ख़त्म कर दी गई। दलितों की हत्याएं होने लगी, जबरन धर्म परिवर्तन होने लगे, लड़कियों पर बलात्कार होने लगा और ये सब जो है वो आम हो चुका था। इन सब अत्याचारों पर मंडल ने कई बार, अगर बात किया जाए इतने बड़े नेता थे, उन्होंने कई बार जिन्ना और अन्य नेताओं से बात की, लेकिन अब उनको जो है जो सच्चाई थी, जो उसका आईना था, वो उन्हें दिख चुका था। धीरे धीरे जो बचे दलित थे वो या तो मर गए या तो मजबूरी में उन्होंने मजबूरी में क्या करे तो भाई अब इस्लाम धर्म उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। दलित अपने ही नेता मंडल के सामने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मगर मंडल ने सरकार को कई खत भी लिखे। मंडल भी परेशान रहे कि भाई इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है, मगर सरकार ने उनकी एक ना सुनी। और तो और हिंदू होने के कारण अब मंडल को भी पाकिस्तान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पाकिस्तान ने अब कहा कि भाई ये देशद्रोही है, देशद्रोही कहना शुरू कर दिया गया और समय को समझते हुए, समय की मांग को देखते हुए उन्होंने 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। वो गए तो थे लाखों अनुयायियों को साथ लेकर, मगर आए अकेले शरणार्थी बनकर। वो दलित वहीं रह गए जो मंडल के कहने पर अपना देश छोड़कर चले गए थे। दलित मुस्लिम एकता की कीमत वो दलित आज भी झेल रहे हैं जो वहाँ पर गए थे। धर्म बदल रहे हैं, रोज़ बेइज्जत हो रहे हैं, मैला उठा रहे हैं, लेकिन मंडल की मौत के 50 साल बाद आज भारत में फिर वही नीति अपनाई जा रही है। आज नए जोगिंद्रनाथ मंडल फिर उठ खड़े हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई दलितों के वो मसीहा हैं। चाहे चंद्रशेखर रावण की बात कर लें, चाहे मायावती की बात कर लें, या जो भी नए नेता निकल कर आ रहे हैं, नए पत्रकारों की बात कर लें, रवीश कुमार जिस तरह से बातें रखते हैं, नए अगर नेताओं में कन्हैया कुमार हैं, वामपंथी नेता हैं, तो इस तरह के जो नए नेता हैं, जो नए लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई दलितों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो दलितों को अलग किया जाए, और ख़ास तौर पर वो दलितों को मुस्लिमों के साथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं। मगर ये सच्चाई, ये हकीकत, ये जो हमने आपके सामने रखा, जो इतिहास के कालखंड से, इतिहास के झरोके से जो सच्चाई रखा, वो कहाँ तक उसको कहाँ तक वो हट पाएंगे, उससे कहाँ तक वो पीछे भाग पाएंगे। तो सच्चाई इसीलिए बतानी ज़रूरी थी और उन लोगों के लिए ये जो वीडियो था, ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों के मुंह पर ज़रूर ये तमाचा लगेगा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश भर में। तमाम जो कुछ भी होता है तो अम्बेडकर साहब की जो मूर्ति लेके चल देते हैं, चाहे दलितों की बात कर ले जाए, चाहे मुस्लिमों की बात कर ले जाए, वो ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले समय में अगर वो अलग होंगे तो अलग होने के बाद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अगर इस देश में रहना है तो एक होकर ही रहना पड़ेगा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो अलग होंगे तो जाहिर सी बात है अलग होंगे, तो जैसा वो करते हैं वैसा ही वो भुगतते हैं। तो इसीलिए ये कहानी बहुत बतानी ज़रूरी थी
कि एक ऐसा भी नेता था और जो लोग बात करते हैं जो भगवान मानते हैं अम्बेडकर साहब को, अगर वो मंडल को भगवान नहीं मानते हैं तो आप समझिए कि वो अपने ऊपर, उनको धिक्कार होना चाहिए, उन्हें थोड़ी सी जानकारी भी लेनी चाहिए। बगैर जानकारी के किसी को भी भगवान मानना शुरू कर देते हैं, मगर भगवान मानिए एक अच्छी बात है, अम्बेडकर जी ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मगर एक ऐसा भी नेता था उसे भी भगवान मानिए। और उसने जिस तरह से झेला था, कम से कम उसकी जो राह पर ना चलिए, कम से कम उसको भी एक आप अपने उदाहरण के तौर पर देखिए और आने वाले समय में भटकने के बजाय आप संभलिए। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, नमस्कार।